अररिया पुलिस ने सीमांचल में शराब तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को भागलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार तस्कर भोगेंद्र राय पर अररिया, पूर्णिया और किशनगंज सहित अन्य जिलों में लगभग 13 मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से पुलिस इन्हें शिद्दत से तलाश कर रही थी। एसपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त पश्चिम बंगाल से शराब की सप्लाई बिहार के अलग अलग जिलों में करता था। इस दौरान पुलिस पर हमला भी कर चुका था। पुलिस अब इसका आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और पूरे राज्य में दर्ज मामलों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। दिनांक 11/2/23 को रात्रि में विगत 3 वर्षों से या उससे अधिक समय से शराब के कई कांडों में वांछित शराब कारोबारी अभियुक्त भोगेंद्र राय, जो ठेकपुरा रानीगंज के रहने वाले हैं, जिनके भागलपुर में रहने की सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना पर टीम गठन कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर भेजा गया, जहां इनकी गिरफ्तारी बरारी थाना क्षेत्र से किया गया है। यह लगातार कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में रहकर और शराब का कारोबार कर रहे थे, जिनकी तलाश अररिया पुलिस को विगत 3 वर्षों से थी। ये लगभग अभी जो हमारे पास क्रिमिनल हिस्ट्री इनका है, 13 कांडों का क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे पास है और क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये अभी वर्तमान में अररिया में 8 कांडों में तथा किशनगंज में 1 कांड में तो वांछित हैं। इनकी गिरफ्तारी से शराब के कारोबार पे नकेल लगेगा। ये एक मामले में वांछित हैं, पुलिस पे भी हमला के मामले में वांछित हैं। इनके द्वारा काफ़ी रैक्स एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए पकड़ने के क्रम में पुलिस की गाड़ी को डिस्टर्ब किया गया था, उसमें भी ये वांछित।